नोटी के साउंड आ रहा है। ओके आप लोग एलडीसी कांस्टेबल क्या दे रहा है, वो ज्यादा फोकस एरिया एंड वॉल्यूम चेक करने से एरिया को करेगा। ओके अच्छा से लिख दे रहा है, ज्यादा हो गया। देख रहा है ना एरिया एंड वॉल्यूम। ओके आप लोगों जो एलडीसी और कॉन्स्टेबल का दे रहा है हाल फिलहाल में, आप लोग इसमें ज्यादा फोकस करना। ओके एरिया से ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन आएगा इसमें से, एटलीस्ट आप लोगों को 4 to 5 क्वेश्चन देखने मिलेगा। ओके 4 to 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। क्लियर है एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लोग ज्यादा ध्यान में दे, एरिया को ज्यादा क्लियर कीजिए। ओके एरिया में हो जाएगा तो हो जाएगा, वॉल्यूम आप लोगों को इतना पूछेगा कि नहीं। क्लियर सबको सुनाई दे रहा है। ओके चलिए, और सबसे इजी चैप्टर है आप लोग का एरिया। ओके सबसे इजी चैप्टर है। क्लियर है चलिए, सबसे पहले हम दिखाई दे रहे हैं ना सबको। ओके रेक्टेंगल कुछ भी नहीं है, सबसे बेसिक है रेक्टेंगल। बोलेगा तो क्या, अगर पेरीमीटर निकलता हम ऑल साइड को सम करेगा। ओके सब साइड को सम करेगा, और एरिया निकालने बोला होगा तो एरिया के लिए लेंथ इनटू। ओके एरिया के लिए पेरीमीटर बोलेगा तो क्या करें, पेरीमीटर पेरीमीटर बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 into L+B। ओके लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कुछ नहीं, चारों साइड को सम करो बस हो जाएंगे। दिख रहा है सबको, पेरीमीटर को याद करना जरूरी है, चारों साइड को सम करेगा। ओके नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। ओके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया पेरीमीटर कौन सा हम लोग सम करेगा। ओके एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एच मतलब हाइट डिनोट करता है, हाइट मतलब इसको। ओके हाइपोटेन्यूज को नहीं। ओके दिख रहा है सबको, नेक्स्ट इसके लेंथ ट्रायंगल। ओके मतलब इसका तीनों साइड इक्वल नहीं है। ओके इसका तीनों साइड 3 4 तीनों साइड बिल्कुल इक्वल नहीं है, दिख रहा है सबको, तीनों साइड बिल्कुल इसका इक्वल नहीं है। ओके ऐसा होगा किसी इसका पेरिमीटर निकालो बोले तो सबको सम करेंगे, 4 5 6 7 8 10 11 ये सबको प्लस करेगा। ओके 3 4 5 को प्लस करेगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 11 प्लस 1 12। ओके सबका सब पेरिमीटर, अगर एरिया निकालो बोलेगा तो क्या, एरिया इसका अंदर का एरिया निकालो बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, S S-A S-B S-, दिख रहा है स्केलिन ट्रायंगल। एस क्या है, एस किसे निकालेंगे, एस इक्वल टू A+B+C। हो गया
सबको दिख रहा है। नंबर नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड इसका इक्वल, ओके तीनों साइड इसका इक्वल दिख रहा है, तीनों साइड इसका इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका पेरिमीटर बोलने से तो हम ये तीनों को सम करें, एरिया बोलने से। ध्यान से ओके, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बोलने से। सब लोग जल्दी से लिख लीजिए। हाँ क्लियर नहीं, अभी बोर्ड में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये है एस स्क्वायर, ओके साइड स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला को ध्यान से लिखिए, रूट 3/4 इंटू साइन स्क्वायर। ओके क्लियर हो गया सबका। यहाँ तक सबका लिखे हो गया ना, अभी क्लियर है मेरी ना, अभी क्लियर है आपका। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड आर इक्वल्स, ओके क्या साइड होगा, टू साइड आर इक्वल, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इसका इक्वल होगा, तो पेरिमीटर को तो वापस से आएगा, ये दोनों को सम करेगा, इसको भी सम करेगा, क्लियर। अब इसका एरिया निकालो दोनों से, एरिया एरिया इक्वल क्या होगा, एस माइनस टू अंडर रूट एस, एस माइनस एस क्या होगा, ए प्लस दिख रहा है, वापस एस वही होगा, एस एस माइनस बी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहां तो हो गया सबको, क्लियर ओके। दिख रहा है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब इनर की जगह पूरा साइड, ओके वो पेरीमीटर जो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इक्वल टू 22/6, ओके।
और एरिया निकालने बोलने से दिखा है सबको एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके आर किसे निकालेगा, आर इक्वल टू डी बाई डी, डी मतलब डायमीटर। ओके पहले इतना ही कर लेगा। ओके पहले ये सबका क्वेश्चन कर लेगा तभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है सबको, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर और एरिया बोले से पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप लोगों को फॉर्मूला पूरा बाय हार्ट होना ही पड़ेगा तभी हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके आप लोगों को जितना फॉर्मूला है सबका सब बाय हार्ट होना पड़ेगा। अगर सबका लिख के हो गया तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके सबको क्लियर है ना? चलिए चलिए सर अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होज एरिया इज सेंटीमीटर। ओके सी एम ऑप्शन है 4 2 1 3। आप लोगों को क्वेश्चन लिख दिया। ओके फाइंड द साइज ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड चाहिए होता है जिसका एरिया क्या है अंडर रूट 3। जल्दी से इसके अंदर कोई मतलब आएगा, अभी फॉर्मूला दे चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कोई आंसर दे पाएगा? एनीवन जल्दी से आंसर बताइए। नीचे टू। ओके एक बच्चा का सही आंसर है। ओके और बाकी सर, और बाकी क्या क्या होगा? बहुत कम बच्चे आपको टाइम देंगे, हम आपसे कीजिए। क्या पूछा है? एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया इसका साइड पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ओके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दिख रहा है ना सबको? इसका एरिया जो है, जो एरिया पार्ट है वो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसके जो साइड्स है ना, साइड्स क्या है मुझे पूछना। ओके तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एरिया दिया है, एरिया इक्वल क्या है, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर है कि नहीं, सबको दिखा दिया एरिया क्या है, एरिया अंडर रूट 3 ऑलरेडी दे चुका है क्वेश्चन। ओके इक्वल अंडर रूट 3/4 इनटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर लेके आए। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा, 4/√3/3। ओके 3 3 कट गया, क्लियर। तो एस स्क्वायर कितना बच गया, अभी ये स्क्वायर है ना, इधर लग गया स्क्वायर, एस इक्वल टू 4√3। ओके तो 4 का स्क्वायर उठाते से क्या होगा, 2 2 4, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, समझ में आया, सबको समझ में आया, अगर समझ गया तो नेक्स्ट जाएगा। अगर सब क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। सबका हो गया, ओके दे रहे हैं और क्वेश्चंस दे रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हूज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ओके ऑप्शन आप लोग का सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका साइड क्या है बोला है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ऑप्शन आप लोग का सामने है, आंसर क्या होगा, ABCD। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शायद गलत है क्या, ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, ऑप्शन ए को एक बार अच्छा से चेक कीजिए। और दूसरा लोग ऐसा बताइए, ऑप्शन सी सबका, ओके ठीक
चलिए क्या निकला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके एरिया क्या है फॉर्मूले, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, √3/4 × x² मतलब साइड स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों साइड उसका क्या है 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो क्या करेगा √3 का 3 4 का 4 × 10 स्क्वायर। ओके 10 स्क्वायर मतलब 10 10 जाने, √3/4 × 100। ओके 425 क्या बचा आंसर, 25/√3, सी इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल सिंपल। ओके ये सब क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में देखने मिलेगा। ओके सबको दिख रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स वी हैव डबल एट 8% एसएस एंड क्या होगा। ओके इन हाउ मेनी इयर्स वी ₹7,500 एट डबल एट 8%, 8% कितना ईयर्स, क्या पूछा है हम लोग को, टाइम पूछा है। ओके क्या पूछा है हम लोग को, आपका क्वेश्चन है, हम लोग को टाइम पूछा, टाइम के लिए SI × 100 / क्या करेगा, P × R × t में t नहीं है तो बता क्या प्रिंसिपल इंटू क्या करेगा हम लोग। ओके आपका क्वेश्चन को पता है, टाइम SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट डबल होगा बोला है ना, तो अगेन 7,500, 7,500 ओके डबल होगा तो, और 100 क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है वापस 7,500 इंटू क्या है 8, क्या है रेट 8% है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ओके 8 / 8 = 8, ऑलमोस्ट 8 × 8 = 16, ओके 4.0 मतलब ये क्या 12.5 years। ओके 12 4/8 4 × 4 = 12, 12 1/2 years मतलब 12.5 years में डबल होगा आपका आंसर। समझ में आया निश्चित, आपका आंसर समझ में आया, 12.5 years में आपका मतलब डबल होगा ऐसा है। ओके 8% इंटरेस्ट में, क्लियर हुआ। मिल एंड हाफ ईयर्स में कंप्लीट हो, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹7,000 इज डबल 8% ऐसा इसका आंसर एन क्या होगा, ऐसा एन ओ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कैसे सेम। ओके थोड़ा सा रुके क्लियर कर दे रहा आपको, हाँ ये तो सबका हो गया ना, ये सबका हो गया तो थोड़ा सा 2 मिनट चुके हैं। क्या बोला था हम लोग का प्रिंसिपल, क्या था प्रिंसिपल 7,500 दिख रहा है ना आपको, कौन पूछा है नीचे ना 7,500, रेट क्या था हम लोग का 8% यहाँ तो। ओके टाइम क्या दिया था हम लोग को, टाइम ये पूछा गया था ये है प्रिंसिपल, तो टाइम पूछा है तो टाइम का निकालने के फॉर्मूला हम लोग SI × 100 / टाइम निकालना है ना, तो रेट प्रिंसिपल इंटू हो गया। तो देखो हम लोग ऐसा ही किए, इसका डबल होगा बोला मतलब 7,500 का डबल इंटू टू कितना हो गया 15,000, मतलब कितना थाउजेंड होगा 15,000 होगा। देखो 7,000 डबल होगा बोला है ना, इसका डबल होगा बोला, तो 7,500 डबल मीन्स टू हाउ मच 15,000, 15,000 होगा बोला दिख रहा है 15,000 होगा, जिसमें से प्रिंसिपल क्या है 7,500 - 7,500, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया वापस 7,500, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया वापस 7,500 हो गया, क्यों हम लोग क्या करता है ये प्रिंसिपल, इसका डबल होगा बोला, क्या डबल होगा इंटरेस्ट लग के तो डबल होगा, 7,500 का डबल कितना 15,000, ये 15,000 कैसे हुआ ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लग के 15,000 हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ कितना लगा 7,500 लगा ना, दैट्स व्हाई सिंपल इंटरेस्ट 7,500 इंटू 100, प्रिंसिपल क्या है 7,500। ओके और रेट क्या है ये दोनों काट के इससे क्या है 12.1/2 years मतलब 12.5 years में हो जाएगा। अभी समझ में आया आपको, क्लियर है।
ओके चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होस वन साइड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आप लोगों का सामने, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके आंसर क्या होगा? ओके इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दे रहा है, ABCD क्या होगा आंसर जल्दी से? ऑप्शन आंसर बी किसके निकले? नीचे का। वेरी गुड। और कोई आंसर? चलिए जिसके आने वाला उनको बता रहा है। ओके क्लियर। क्या हो रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके यहाँ तक सबको दिख रहा है? अब ये क्या होगा हम लोग का? एक राइट एंगल ट्रायंगल है बोलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, दोनों में से एक साइड। ओके दोनों में से एक साइड क्या है हम लोग का? 3 सेंटीमीटर, इसको एक्स मान लेते हैं। ओके ये एक मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं है। ओके इसको एक्स मान लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेगा। ओके एक्स का वैल्यू क्या है निकालेगा। ओके पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस जो दिया है बेस स्क्वायर। क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, हाउ मच? 16। 16 का क्या होगा? 4। ओके ये क्या निकल गया? एक्स हम लोग का 4 निकल। अभी हो गया हम लोग बेस एंड हाइट दोनों मिलेगा। तो अभी क्या है? हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट 4, 2 3 2 2 4 3 इंटू 2 6। ओके समझ में आया कैसे निकाला? सबको हो गया होगा?
पहले हम लोग को एक साइट ढूंढना है, ओके। ढूंढने के बाद ही हम लोग निकल पाएगा। क्लियर हुआ सबका? सबको क्लियर हुआ? सबका क्लियर? यस और नो? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेगा। कल तक जितना फॉर्मूला आ जाएगा सबका, सब याद कर लीजिए, ओके। कल और फॉर्मूला लिखाना बाकी है। सबका हो गया? अरे एक दो बच्चे वो लोग भी रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों? मिस्टर बी स्नीत तारम, ओके। रूट वाला को अजल है, कौन सा रूट? ओ ये बेटा, रूट वाला क्वेश्चन अगर हाइपोटेनस दिया रहेगा तो हम लोग माइनस कर रहेगा, ओके। पर हाइपोटेनस देना रहेगा, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। ध्यान ध्यान से है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करें इस समय, हम लोग क्या करें, जब हाइपोटेनस निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेगा, ओके। मतलब ये दोनों को प्लस करेगा, कैसे होगा? 4 4 जा 16, ओके। ये देखो आप, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, दोनों को प्लस किया 25, 25 करना। अगर हाइपोटेनस निकल रहा हो तो हम लोग प्लस करेगा, और ऑलरेडी हाइपोटेनस दिया रहेगा तो हम लोग माइनस करेगा, ओके। हाइपोटेनस दिया रहेगा तो हम लोग माइनस करेगा, और हाइपोटेनस निकालना हो तो प्लस करेगा, बस इतना है। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर? अभी क्लियर है? रूट वाला में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो प्लस करेगा, और ऑलरेडी दिया है तो माइनस करेगा। आप लोग जब क्लास होता है, थैंक यू सर, क्लियर, ओके। आप लोग जब क्लास होता है, आप लोग को नहीं बोल रहा है, बाकी स्टूडेंट को बोल रहा है, ओके। क्लास में ऑनलाइन के समय ज्वाइन नहीं, उसका पूरा वीडियो मांगते रहेगा रिकॉर्डिंग को, ओके। आप लोग होते कुछ तो पूछ सकता है ना, रिकॉर्डिंग में मांगे क्या, रिकॉर्डिंग पूछते रहेगा उसके बाद, क्लास अटेंड नहीं करके उसका रिकॉर्डिंग मांग मांग के। जो बच्चा प्रेजेंट है उनको बोल रहा है, आप लोग को नहीं बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ओके। 15 सेंटीमीटर, दिस वन इज 14 सेंटीमीटर, ओके। सुंदर से लिख देगा, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप लोग खुद जान लीजिए कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ओके। कुछ क्लियर नहीं उनसे, आप लोग डायरेक्ट ऐसे पूछ भी सकता है, ओके। और ऑनलाइन होगा तभी तो पूछ पाएगा, रिकॉर्डिंग में क्या पूछ पाएगा?
And the area of triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter, and 15 centimeter. Okay, sides of the triangle given. आप लोग खुद से जानिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना, स्केलेन ट्रायंगल है ना, कैसे जानिए तीनों साइड इक्वल नहीं है, सबका सब क्या है? ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन है 54 64 74 84, ये इसमें से आंसर कौन सा? अभी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड इक्वल नहीं है, 13 14 15, तो ये क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। ओके, अब आंसर बताइए क्या होगा स्केलेन ट्रायंगल का? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्या हुआ इसका आंसर? अरे कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे रहे, क्यों? इसके लिए ट्रायंगल है। ओके, सबसे पहले हम क्या बताइए स्केलेन ट्रायंगल है? ओके, स्केलेन ट्रायंगल का क्या होता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, हो गया। तो एस कैसे ढूंढेगा? एस ढूंढने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ओके, 10 20 30 35 39 39 40 42 42। ओके, 42, 2 2 4, एस कितना निकला है? 21। S कितना निकला है? 42 by 2 करने से 21 निकला। दिखा है ना आप लोगों को 21। ओके, ये देखिए 21 माइनस 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ओके, अभी क्या हुआ? 21 इनटू 21 माइनस 13 8 6। ओके, सबको इंटू करेगा, 7 6 42 42 8 21। ओके, 7 0 5 6 कितना निकल रहा है? 7 0 5 6। अब इसे स्क्वायर रूट निकाल दो, 7 0 5 6 का क्या होगा? 7 0 5 6। ओके, पति पत्नी, पति पत्नी मतलब कपल से दो का दो। ओके, किसे निकालेगा? 6 6 जा 7 7 8 8 जा 8 8 जा 16। ओके, प्लस 8 8 प्लस 8 16, हाउ मच? 6, 10 से क्या खत्म हो? 56 मिनट, लास्ट डिजिट 6, कैसे जाएगा? 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 4 डिजिट आ गया तो क्या से देगा? 4 से देगा, 4 से एग्जैक्ट जा रहा है 6 5 6। कितना आंसर निकल गया? 84। क्या है ऑप्शन? डी, 84 इज द करेक्ट। ओके, समझ में आया सबको? क्लियर है कि नहीं? 7 0 5 6 से क्या निकलेगा? 84। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके,
इस बार का यूडीसी में यही क्वेश्चन पूछा था आपका, यूडीसी में यही क्वेश्चन पूछा था स्केल एंड ट्रायंगल का। आप लोग का पास क्वेश्चंस पेपर होगा तो देख लीजिएगा, इस बार यूडीसी में यही क्वेश्चन पूछा था। इस बार यूडीसी भी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा था। ओके हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल व्हिच ड्रोन इनसाइड ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर टेन सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल हुज साइड आर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर बताइए आपको। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल हुज साइड आर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा आंसर, इसके आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको समझा कि नहीं समझा? ओके फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एरिया मतलब व्हिच कैन बी ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल ध्यान से रेक्टेंगल। ओके रेक्टेंगल का ना सर्कल के ऐसे सर्कल बनेगा कभी, सर्कल ऐसे होगा रॉन्ग, सर्कल कैसे होगा, ये रेक्टेंगल है। ओके रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ कौन सा है, जो लंबा है उसको लेंथ मानेंगे हम उसको 14, और जो छोटा है उसको लेंथ। ओके सर्कल कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे तो सर्कल नहीं होगा। दैट मींस इसके डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कितना, 10 तो होगा डायमीटर, क्लियर, डायमीटर क्या होगा, 10 होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्लियर, 22/7 इंटू आर क्या है, डायमीटर है, हम लोग को आर किससे निकालेंगे, हम लोग आर निकालने का फॉर्मूला d/2, व्हाट इज दी 10, 10/2, 2 5 10, आर कितना निकल गया हम लोग का 5। ओके कैसे, d/2, d क्या है 10/2 काटेगा 5। ओके तो क्या निकल गया हम लोग का आर 5 इंटू, क्लियर, 22 इंटू 25, दोनों का इंटू 22 इंटू 25, 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4, 14, 5 आपने 2 2 4, 5,
मार्क्स डिवाइड कर दीजिए, आंसर मिल गया आपको 550। ओके 5 2 10 0, 5 2 10 2 2 4 14 प्लस 1 15 का 5 2 4 550। ओके अभी आंसर क्या है, 550 को मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। ओके आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में रखिए। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ओके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है 550 डिवाइडेड बाय 7। जितना हो सके कल से कंटिन्यू क्लास में अटेंड होने की कोशिश कीजिए। हाँ उसका रिकॉर्डिंग नहीं मांगने आप लोग को, नहीं बोल रहा जो एब्सेंट है उनको बोल रहे हैं। ओके एब्सेंट रहेगा उसका रिकॉर्डिंग मांगते रहेगा आप लोग, कुछ तो पूछ सकता है एटलीस्ट टेक्स करके होने से भी आप लोग। चलिए आपके क्लास यही खत्म करते, कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू ऑल।